माँ ने हमेशा कहा है कि अगर तुम अपने काम से प्यार करती हो एंड यू पुट योर एवरीथिंग टू इट, एक ऐसी शक्ति तुम्हें मिलती है जो कोई भी मुश्किल को आसान करती है। ला 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 ला, स्पेन, इटली, कंबोडिया, यूरोप, मैं आ रही हूँ विथ माय फ्लाइंग शूज। आलिया, हमेशा टूरिस्ट के साथ ही हो, लड़की हो लड़की जैसी रहो। पिताजी, आप नहीं समझेंगे, इतने लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्या दोनों फूड और पानी खराब है? इट इज आर्सेनिक पॉइजनिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स नदी में फेंक दिया जाता है और यही सब हम पीते हैं। हमें इसकी जड़ में जाकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। एक ऐसी विलेज जो इतनी क्लीन है कि लोग इसे देखने आए हैं। हम भी अपने विलेज को ऐसा बनाएंगे। सब हंस रहे हैं माँ। ये तुम्हारा सपना है आलिया, तुझे फैसला लेना है। कोई हंसेगा तो मतलब यू विल स्टॉप ड्रीमिंग। सुनो सब, हमें फर्टिलाइजर्स बदलने पड़ेंगे। स्विच टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, टोटेमो यूई। वक्त है नदी से आगे पूरे विलेज को मजेदार बनाने का। चलो एक ओपन एम्फीथिएटर और बैम्बू टॉयलेट्स बनाते हैं और होटल रूम्स को भी डेकोरेट करते हैं। वी एवेन्यू टू मोटरसाइकिल डायरीज विद आदिया। हमारे विलेज को हर ट्रैवलर के मैप में डालने के बाद हमारी इको ट्रैवल कंपनी के पास है ऑल वुमेन ट्रैवल गाइड्स की टीम और हमने सेल्फ क्लीनिंग सोलर टॉयलेट्स लगाए हैं विद सस्टेनेबल रहने की जगह और ऑर्गेनिक कैफेज। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने अपने आप पर और अपने सपनों पर बिलीव करके दृढ़ निश्चय के साथ अपना सपना पूरा किया। इको टूरिज्म पर एक्टिविटी 4 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूहों में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन क्षेत्र शोध, ट्रैवल एजेंट से मिले, उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे। ट्रैवल एजेंट्स क्या क्या काम करते हैं, उनकी दिनचर्या, व्यापार की जानकारी, नोट्स बनाना और फोटोज लेना ना भूले। दूसरा दिन ट्रैवल एजेंसी जाकर रिसर्च करे, वहाँ उनके काम को समझे, सवाल पूछे, देखे वो पर्यावरण हितैषी है या नहीं। तीसरा दिन आप अपने समूह के साथ सोचे कि क्या कुछ और शोध करना जरूरी है और अगर है तो वहाँ जाइए, ग्राहकों से मिले, उनसे उनके ट्रैवलिंग के अनुभव जाने, उनसे पूछे उनके अनुसार क्या बेहतर होना चाहिए, बहुत सारे सवाल पूछे। चौथा दिन अपनी व्यापार की योजना लिखिए, सब साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दें। ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए, पढ़िए और सीखिए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं है।